तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हो, चाहे वह CBSE बोर्ड से हो या BSB बोर्ड से यानी कि बिहार बोर्ड या ICIC बोर्ड, इन सभी छात्रों एवं छात्राओं ने क्या किया है, अप्लाई किया है। इन सभी बोर्ड वालों ने अप्लाई किया है पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वह BA में एडमिशन ले या BSc में एडमिशन ले या BCOM में एडमिशन ले या BCA, BBA, BMC, इस सभी कोर्सों में आप लोग का एडमिशन लेने के लिए क्या किए होंगे, अप्लाई किए होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा पटना वुमेन्स कॉलेज में कुछ स्ट्रीम में एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है, उसके बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, एडमिशन होता है। और कुछ आप लोगों का जो कोर्सेज है उसमें क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दें कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, तो आप लोग को मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग को 15, 16 और 17 इन सभी बीचों में मैं क्या करूँगा, आप लोग को अपडेट करूँगा कि आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वह BA हो या BSc, BCOM, BCA, BBA, इन सभी सभी स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आप लोग क्या करना होगा, एंट्रेंस टेस्ट का फेस करना होगा, उसके बाद ही आप लोग का एडमिशन होता है। इन सभी स्ट्रीमों में एडमिशन के लिए आप लोग मेरे साथ एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल सा कमेंट में क्या टाइप करेंगे, आप लोग यस टाइप करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ एंट्रेंस टेस्ट का तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप लोग कमेंट में क्या करना होगा, नो टाइप करना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग मैं थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोगों का सिलेबस वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं कि BA, BSc और BCOM इन सभी में कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप लोगों का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, ड्यूरेशन वगैरह तो जानते हैं 3 ईयर्स का होता है। और बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न आप लोग एक झलक देख ले, मैंने पहले भी बता दिया है यह पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आप लोगों का कोर्सेज है यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन में है आप लोगों का BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। तो इसमें आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो आप लोग देखिए जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आप लोगों का कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसमें से 10 और 60 यानी कि 70 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इसमें 30-30 नंबर का फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा और 10 नंबर का जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसी में आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको रीजनिंग वगैरह भी आ जाएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा नंबर्स के आपको पूछे जाएंगे, 30 और 30, 60 नंबर ऐसे ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो बचा 30 नंबर, उससे आप लोगों क्या क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड एस्टेटिक्स, मेक योर च्वाइस। आप लोग एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज़ किया होगा उसी से आप लोगों क्या पूछा जाएगा, 30 नंबर पूछा जाएगा, जो कि क्या रहेगा, आप लोगों का कंपलसरी रहेगा। अब बात करेंगे हम लोग BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वह है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ ऑल मेजर, यानी कि 25 मार्क्स का अकेला आपसे पूछा जाएगा। जो बचा आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, उससे आपको अकेले 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा आपको BCOM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आप लोगों से जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 25 मार्क्स का, यानी कि बता दें कि सभी स्ट्रीम में एक चीज़ कॉमन है आप लोगों का, क्या, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग वगैरह आपको हर एक स्ट्रीम में आपसे पूछा जाएगा, हर एक स्ट्रीम में आपको देखा जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन रिलेटेड विथ सब्जेक्ट, आपका जो BCOM में आप लोगों का जो सब्जेक्ट एक अकाउंट और फाइनेंस रहेगा, उसमें आप सब्जेक्ट जो चूज़ किए होंगे उससे अकेला 75 नंबर के आपसे पूछा जाएगा। अगला आप लोग देख सकते हैं CEMS, ठीक है, तो ये इंग्लिश का होता है, तो अकेला अगर इंग्लिश आप लोग चाहते हो स्पेशल, तो मैं स्पेशल इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो जनरल इंग्लिश का आप लोग अकेला कितने नंबर का पूछेगा, 75 मार्क्स का आपको पूछेगा। बचेगा आप लोग से मीडिया प्रेसेस राइटिंग बेस्ड ऑन पिक्चर, पिक्चर के अनुसार आपको जो पत्र लिखने का वह 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। वही आपसे बात कर ले BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें आप लोगों से जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK GS सब मिला के इसमें क्या रहेगा, 100 मार्क्स का, यानी कि मिक्सअप पूछेगा BCA का एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। इसमें सारा कुछ आ जाएगा, रीजनिंग वगैरह सब। वही BBA की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, GK GS और रीजनिंग इकोनॉमिक्स वगैरह सारा कुछ रहेगा इसमें 100 मार्क्स का। प्रोफेशनल वाले में आप लोग का सबका मिक्स रहेगा। BMC की बात करेंगे, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन
इसमें भी सेम आप लोगों से पूछा जाएगा। करंट अफेयर एक नया ऐड किया गया है इस वर्ष, 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद AMM ये इंग्लिश का ही होता है ये भी, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जनरल इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का रहेगा। और MBio तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का रहेगा। वही बात बता दें आपको MCA वाला का तो आपको पता ही है सारा कुछ मिक्स रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ लिए होंगे अपना सिलेबस। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा यस और नो। अगर आप लोग मेरे साथ एंट्रेंस टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप लोग को यस टाइप करना है, और नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा आप लोग को नो टाइप कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट। कम से कम 200 प्लस कमेंट होना चाहिए, उसके बाद मैं आप लोग क्या करूँगा एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कराऊँगा अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है।